नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने इस यूट्यूब चैनल जीवन जीने की कला में। कैसे हैं आप सभी? आई थिंक स्वस्थ होंगे। आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं, अगर किसी का शरीर दुबला पतला है या फिर किसी को अगर हार्ट की समस्या है, यानी कि उनका हार्ट कमज़ोर है या फिर हार्ट अटैक के चांसेज हैं, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बॉडी में बढ़ गई है इस वजह से ऐसा होता है, या फिर किसी को अगर शरीर में ब्लड की कमी है, तो उसको दूर करने के लिए ये एकमात्र औषधि काफ़ी है, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल या ट्रांस फैट से फ्री होती है। इसको जब भी आप सेवन करते हैं तो, और इसमें ढेर सारे पोषक तत्व होते हैं जैसे कि मैग्नीज, सेलेनियम, कॉपर और डाइट्री फाइबर भरपूर मात्रा में होता है। यही कारण है कि ये आपकी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। आइए सबसे पहले जानते हैं, अगर किसी का वजन कम है यानी कि दुबला पतला शरीर है, तो स्वस्थ होने के लिए क्या करना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति दुबला पतला है और उसका शरीर सूखा हुआ है, तो उसे सूखे नारियल का सेवन करना चाहिए। इसमें मौजूद ढेर सारे जो पोषक तत्व हमने आपको बताए, शरीर को मजबूत बनाते हैं और ताकत बढ़ाते हैं। दुबलापन दूर करने के लिए आधा लीटर दूध लीजिए, उसमें 15 से 20 मखाने डाल लीजिए, 5 से 6 काजू डाल लीजिए, 5 से 6 बादाम डालिए, 20 ग्राम सूखा नारियल डाल दीजिए उसमें बुरक करके, और 3 से 4 छुहारों को काट करके उसमें डाल दीजिए। इसे आपको देर तक पकाना है, तब तक पकाना है जब तक कि ये लाल न हो जाए। रोजाना इसका सेवन करना है आपको। सप्ताह भर में आपको फर्क दिखने लगेगा, आपका शरीर हृष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त होने लगेगा, मजबूत होने लगेगा। इसीलिए ये कमाल की औषधि हमने कहा। अच्छा, मान लीजिए किसी के शरीर में अगर ब्लड की कमी है, तो उसको भी इसका सेवन जरूर करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि इसमें आयरन की अच्छी मात्रा होती है। आयरन की कमी से शरीर में खून की कमी हो जाती है और व्यक्ति को एनीमिया हो जाता है। भारत में लगभग 85% से ज़्यादा महिलाएं, यानी कि माता बहनें हमारी ऐसी हैं जो एनीमिया रोग के शिकार में आती हैं, और उनको ये पता भी नहीं होता है कि उनके शरीर में ब्लड की कमी है या फिर एनीमिया है। 100 ग्राम नारियल में 3.32 मिलीग्राम आयरन होता है, जो कि आपकी दैनिक जरूरत का लगभग 18% है। इसीलिए नारियल का सेवन करने से शरीर में खून बनता है और कमजोरी दूर होती है। इसके अलावा आप चाहें तो गुड़ का सेवन कर सकते हैं, शरीर में खून की कमी दूर करने के लिए छुहारे का सेवन कर सकते हैं, या फिर आप खजूर का सेवन कर सकते हैं, या पालक का सेवन करें, इससे भी बॉडी में आयरन की मात्रा बढ़ती जाएगी। अब बात करते हैं कि नारियल खाने से आप हार्ट अटैक से कैसे बच सकते हैं। सूखे नारियल में डाइट्री फैट भरपूर मात्रा में होता है, इसीलिए यह दिल के स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होता है। हम पुरुषों के शरीर को रोजाना 38 ग्राम डाइट्री फाइबर की आवश्यकता होती है, जबकि माताओं बहनों के शरीर को रोजाना 25 ग्राम डाइट्री फाइबर चाहिए होता है। सूखा नारियल खाने से डाइट्री फाइबर की कमी जो होती है वो बॉडी में पूरी हो जाती है, इसीलिए हृदय रोगों का खतरा कम होता है। इसके अलावा सूखे नारियल में विटामिन ई होता है, जो कि हमारी त्वचा के लिए काफी फायदेमंद है। 100 ग्राम नारियल में 543 मिलीग्राम पोटेशियम और 26 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। ये दोनों ही तत्व हार्ट अटैक और हाई ब्लड प्रेशर से आपको बचा करके रखते हैं, हाई बीपी से भी आपको आगे चल करके हार्ट की समस्या होती है। ये दोनों कनेक्टेड है, या आप दूसरे वीडियो में इसी चैनल पर समझ सकते हैं अगर जानना चाहते हैं तो। ये हमें बहुत सी बीमारियों से बचाता है, क्योंकि एक छोटे गोले नारियल की बात करें तो इसमें लगभग 5.2 माइक्रोग्राम सेलेनियम होता है। इसीलिए नारियल खाने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में इजाफा होता है, जिसे आप इम्यूनिटी सिस्टम कहते हैं, उसमें इजाफा होता है। इसीलिए नारियल के सेवन से आपका प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत हो जाता है, और इस वजह से आपको फायदा ये होता है कि आपका शरीर बीमारियों से लड़ने लायक बन जाता है। तो जरूर करें सूखे नारियल का सेवन, ये बच्चों के दिमाग को भी तेज करता है। जी हाँ, खुद खाने के साथ साथ इसीलिए आप अपने बच्चों को भी खिलाइए। नारियल में कॉपर होता है, जो दिमाग को तेज करता है और याददाश्त को बेहतर बनाता है। दरअसल सूखा नारियल खाने से जब आपके शरीर में कॉपर पहुँचता है, तो ये ऐसे एंजाइम्स को पैदा करता है जो न्यूरोट्रांसमीटर को बढ़ावा देते हैं। यही वो केमिकल है जिसके सहारे कोई सूचना या फिर ज्ञान हमारे मस्तिष्क के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में पहुंचता है, और इसके लिए ये बहुत स्ट्रॉन्ग औषधि है, इसमें मदद करती है। तो इसीलिए सूखे नारियल का सेवन जरूर करें और इसका लाभ प्राप्त करें। यह आज की वीडियो रही। ऐसी ही नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि नई वीडियो जब भी लेकर के आए नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिले। लाइक कीजिए, वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनको इसकी जरूरत है, और कमेंट कीजिए आपके मन में कोई सेहत
संबंधी सवाल हैं तो हम आने वाले दिनों में उन टॉपिक्स पर आप सभी के लिए वीडियो जरूर बनाएंगे। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, विदा लेते हैं आज के इस एपिसोड से, जुड़ेंगे नए एपिसोड में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।